कोविड संक्रमण के कम होने और जीएसटी अनुदान बढ़कर मिलने के साथ ही मनपा की स्थिति सुधरने लगी है। स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके का दावा है कि जीएसटी अनुदान हर माह 93.50 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 100.5 करोड़ रुपए हो चुका है। अप्रैल और मई में अनुदान के तौर पर 50-50 करोड़ रुपए ही मिले हैं, लेकिन जून से जीएसटी अनुदान बढ़कर 100.5 करोड़ रुपए हो गया है। अप्रैल और मई में अनुदान के तौर पर 50-50 करोड़ रुपए ही मिले, लेकिन जून में जीएसटी अनुदान बढ़कर 100.5 करोड़ रुपए होगा। वही जो पुराना बकाया था वह भी जारी हो गया है। ऐसे में मनपा की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। इसी बीच 22 सितंबर को राज्य सरकार की तरफ से जारी जीआर के अनुसार आवश्यक नए कार्य भी किए जा सकेंगे। अब नागपुर विकास कार्य की शुरुआत फिर से होगी। पत्रकारों से चर्चा में झलके ने बताया कि अप्रैल महीने से बढ़ा हुआ जीएसटी अनुदान मिल रहा है। सितंबर तक नागपुर मनपा को 600 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। वहीं 4 मई को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें साफ कहा गया था कि नए काम शुरू नहीं किए जाएंगे, लेकिन 22 सितंबर को राज्य सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मनपा नगर परिषद नगर पंचायतों पर 4 मई का आदेश लागू नहीं होगा। नागपुर महानगर पालिका ने 51 गार्डन हैंडेड ओवर लेने की जानकारी आज प्रशासन के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, लेकिन ये 51 गार्डन जो प्रशासन ने हैंडेड ओवर की प्रोसेस की है इसके लिए महासभा यानी हाउस की अनुमति लेना ज़रूरी है। इसलिए हमने प्रशासन को बोला है कि इस संदर्भ में एक प्रस्ताव तैयार करके उसमें पूरी फिजिबिलिटी का अहवाल ये हाउस के सामने रखे, क्योंकि केवल गार्डन हैंडेड ओवर लेना ये केवल काम नहीं है, उसको मेंटेन करना भी एक दायित्व नागपुर महानगर पालिका का हो जाता है। इसलिए नया दायित्व निर्माण करना और उसमें रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल तैयार करना चाहिए। इसलिए मैंने उनको एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल तैयार करके उचित प्रस्ताव स्थायी समिति के पटल पे और सभागृह के पटल पे रखे, ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं। निश्चित प्रशासन इसके संदर्भ में अपना अहवाल तैयार करके हाउस के सामने रखेगा। संबंधित आदेश से आयुक्त राधाकृष्णन बी को अवगत कराया जा चुका है। उसी प्रकार केलेबाग रोड के लिए 299 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान भी प्राप्त हो चुका है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।